नमस्कार, मैं संयोगिता आपके अपने बेकन कुक चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से मैंने कोई वीडियो क्यों नहीं डाला। उसका रीज़न ये था कि मुझे डेंगू हो गया था और मैं बहुत बीमार हो गई थी, तो हॉस्पिटलाइज भी थी 4-5 दिन। दिवाली के दिन डिस्चार्ज हुई और मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस अभी तक है कि कोई भी काम करने में असमर्थ हूँ। तो मुझे ऐसे लगा कि इस वक्त चंडीगढ़ में तो बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है, बाकी स्टेट में भी बहुत है और इससे बहुत लोगों की डेथ भी हुई है, बहुत लोग कमज़ोर हो गए हैं। तो उन दिनों मुझे जो भी लोगों ने बताया मैंने किया, डॉक्टर्स ने जो बोला वो किया। तो अपने पूरे अनुभव के हिसाब से मुझे ऐसे लगा कि शायद सबको उतनी चीज़ें पता नहीं है कि जो हमें डेंगू में खाना चाहिए। तो इस वजह से जो मैं खा करके जो मेरी रिकवरी हुई है, जो मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिली है, मुझे लगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं ताकि आप लोग भी उसको यूज़ करिए। सबसे पहले तो आप बहुत सारा पानी पीजिए, जितना पानी पी सकते हैं, चाहे वो दाल का पानी हो, चाहे प्लेन पानी हो, शिकंजी हो, इलेक्ट्रॉल हो, जो भी है आप खूब पीजिए। जो लोग शुगर के हैं वो प्लेन पानी पिए। बाकी देखिए, ये मैं आजकल रोज़ पी रही हूँ, एक ये नारियल, फ्रेश नारियल है, आप इसको कटवा के ले आइए और घर में रखिए। बस सिर्फ हल्का सा होल करके स्ट्रॉ के साथ या ग्लास में पलट करके इसको डेली पीजिए। दूसरा क्या है, कीवी है, एक कीवी आप रोज खाइए। ये मैं जब से बीमार हूँ तब से मैं डेली एक कीवी खा रही हूँ, तो आप इसको खाइए। और जो तीसरी चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लोगों को शायद पता नहीं है, पपीता। एक तो हमको पपीता रोज़ खाना है, दूसरा जो पपीते का पत्ता है, हरा पत्ता, उसको आप अच्छे से धो करके उसको पीस करके पानी डाल के छान के उसको सुबह 10 ml करीब आप डेली लीजिए। वो बहुत तेज़ी से रिकवरी करेगा डेंगू के पेशेंट में लिए। और उसके बाद है, बहुत लोगों को नहीं मिल सकता है केले का पत्ता है, सॉरी पपीते का पत्ता और गिलोय। गिलोय भी बहुत फ़ायदा करता है। तो इसमें क्या है कि आप पतंजलि तो आजकल हर गली गली में है, उनकी है ये दिव्य, ये गोली है जो कि आपको डेंगू में बहुत हेल्प करेगी। 2 tablets सुबह 2 शाम को मैंने ये भी खाया है, अभी भी खा रही हूँ। तो ये है। और आप पपीते का भी जो पत्ते का है उसका भी मिल रही है टैबलेट्स, जो कि मेरे पास ख़त्म हो गई है, आप उसको भी पूछना, आपको पतंजलि में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके घर में, जिसको भी फीवर स्टार्ट होता है उसे समय देना शुरू कर दीजिए। और ये बिल्कुल डेंगू के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। और मैं अभी भी यही सब खा रही हूँ, तो थोड़ी ताकत आ गई है, अब मुझे लगेगा, थोड़ा महसूस होगा ठीक हो रही हूँ, तो मैं वीडियो आपको जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। इस आशा के साथ कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और घर की स्पेशली जितनी भी महिलाएँ हैं वो अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब 4-5 दिन मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे घर खाना भी नहीं बन पाया, बच्चे नहीं मैनेज कर पाए, हॉस्पिटल घर सारा, तो वो कमी मैंने बहुत महसूस की है। तो मैं चाहती हूँ आप सब भी अपना ध्यान रखें और खूब स्वस्थ रहें, और बहुत ही जल्द मैं आपके साथ अपना वीडियो शेयर करूँगी। थैंक यू।